नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, स्ट्रेंथ इज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। यू सपोर्ट दीज सेक्टर्स, यू टेक दीज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू लार्ज बिजनेसेस, यू विल गेट जॉब्स। गवर्नमेंट हैज ए कंप्लीटली डिफरेंट व्यू। Government is spending all its energy on big business, which is fine. You can support big business. Don't neglect these sectors. Second thing, they've attacked these sectors. Demonetization, GST, these are brutal attacks on these sectors. They basically wipe them out. And without these sectors, without respecting these sectors, you can't get jobs. महाराष्ट्र में पीएमसी के बाद एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। गुडविन ज्वेलर्स का मालिक लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में गुडविन ज्वेलर्स शोरूम के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गुडविन ज्वेलर्स का मालिक अपने सभी ब्रांच को बंद करके गायब हो गया है। कई लोगों के पैसे और गहने गुडविन ज्वेलर्स के पास हैं। वहीं पुलिस ने बताया, 250 से 300 लोगों ने हमें संपर्क किया, हमने गुडविन के शोरूम को सील कर दिया है। ओडिशा में एक सब्जी मंडी में आग लगने से 70 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। ओडिशा में कल देर रात संबलपुर की एक सब्जी मंडी में लगी भीषण आग से 70 से ज्यादा दुकानें जल गईं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के बाद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के अगले दिन यानी आज सुबह कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य तो कहीं बेहद खराब रहा। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जलाए गए पटाखों का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पीएम 10 और पीएम 2.5 लेवल तक पहुंच चुका है।